प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के लिए करीब 2.5 माह बाद सोमवार को हाईकोर्ट खुलने जा रही है। याचिका अमेरिका नागरिकता वाले 2 वर्षीय बच्चे की मां ने दायर की है। प्रारंभिक सुनवाई में कोर्ट ने बच्चे को अमेरिका ले जाने पर रोक लगा दी थी। वहीं कोर्ट ने बच्चे की मां की याचिका पर दादा दादी के साथ रह रहे मासूम बच्चे को इंदौर लाने के आदेश SP पूर्व को दिए हैं। गौरतलब है कि बच्चे के पिता अमेरिका में हैं और माँ पति से विवाद के बाद अपने मायके में रह रही है। पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और अपने बेटे से भी नहीं मिलने देता था। इसी कारण वह अमेरिका से दिसंबर में इंदौर लौट आई थी। इसकी शिकायत महिला द्वारा महिला आयोग से भी की है। सर, जो याचिका लगाई गई 2 साल के बच्चों को लेकर, किस तरह की याचिका थी और इस याचिका में जो बच्चा है वो उसका जन्म जो है अमेरिका के ओहायो प्रांत में हुआ था और जो माता पिता हैं उसके अमेरिका में ही निवास करते थे, बट वहाँ पे कुछ पारिवारिक विवाद की वजह से जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया और बच्चे से भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। और वाइफ को जब चूँकि वीज़ा ख़त्म हो रहा था तो उसे इंडिया आना पड़ा, तो वो इंडिया में इंदौर आ गई और उसके बाद उसके पति ने जो है बच्चे को मार्च के माह में इंडिया लेके आया था वो, और यहाँ पे वो ग्वालियर में उसको छोड़ के चला गया। अब बच्चा जो है माँ से मिलने नहीं दिया जा रहा था बच्चे को, और जो दादा दादी हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो चूँकि 2 साल का बच्चा है तो वो खुद तो कुछ बोल नहीं सकता, तो उसके लिए उसकी माँ ने जो है विकल्प तलाशे, तो कानूनी विकल्प के रूप में बंदी प्रत्यक्षण याचिका रहती है जो कि हैबियस कॉर्पस रिट कहलाती है इंग्लिश में, और ये हाई कोर्ट में लगाई थी जो कि व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित होती है। तो उस पर से माननीय उच्च न्यायालय ने काफ़ी सराहनीय पहल करते हुए इस लॉकडाउन की स्थिति में भी जो रिलैक्सेशन देते हुए हाई कोर्ट के प्रमाइसेस को खोला और पुलिस अधीक्षक इंदौर के लिए बोला गया है कि वो बच्चे को सोमवार को हाजिर करेंगे जो कि 8 तारीख को बोला है, और बच्चे के दादा दादी को भी कोर्ट में बुलवाया है, और कोर्ट की बड़ी अनुकरणीय पहल है जो कि एक मासूम बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, मतलब क्योंकि उसको उसकी माँ से वंचित रखा जा रहा है, ऐसी स्थिति में बच्चे का स्वास्थ्य भी खराब है। आपका नाम बताइए। हितेश शर्मा, एडवोकेट।